ओके सो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया लैंड एंड पीपल। ओके सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि अगर मैन की हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हो, अगर आपको ये जानना हो तो फर्स्ट लाइन में आंसर दिया हुआ है दैट आपके मैन की हिस्ट्री की शुरुआत ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से होती है। कहाँ से? ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से। आपका जो साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट होता है उसके जो ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ से हमारे प्रिमिटिव मैन जो है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। धीरे धीरे करते करते जब यही सारी ट्राइब्स टाइम टू टाइम थोड़ा सा शिफ्ट दिखाती है तब ये सारी ट्राइब्स आती है आपके इंडिया में। और इस हिसाब से इंडिया के अंदर आज तक देखा जाए तो आपको बहुत सारी एंशियंट टाइम ट्राइब्स मिलेगी और उन सब में सबसे एंशियंट मानी जाती है द्रविडियंस। सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में कहा जाता है कि द्रविडियन वी आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया। उनसे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पे रहती थी, बट द थिंग इज कि ये जो है द्रविडियंस जो है उसे सबसे पहला माना जाता है कि सबसे प्राचीन ये ट्राइब थी जो भारत में रहती थी। तो क्या आंसर बनता है यहाँ पे क्वेश्चन बनता है तो क्या सिर्फ आपके द्रविडियन ही इंडिया में रहते थे? द आंसर इज नो। देर आर सेवरल सिक्स ट्राइब्स जो कि द्रविडियन के साथ साथ यहाँ पे रहती थी। हम सिक्स ट्राइब्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहली है नेग्रेटॉइड जिसे हप्सी पीपल कहा जाता है। कौन सा? नेग्रेटॉइड यानी कि हप्सी पीपल। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो निग्रोस है या तो आपके नेग्रिटोस है ये लोग बहुत ही एंशियंट इनहेबिटेंट्स है आपके इंडिया के, मतलब कि ये एक ऐसी प्रजाति है जो भारत में ऑलमोस्ट बहुत सालों पहले से रहती थी, मतलब नेटिव्स है, ऑलरेडी नेटिव्स ही है इंडिया के और बहुत ही पहले यहाँ पे रिहा करती थी। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में नेग्रिटोस या तो हप्सी पीपल जो है वो अफ्रीका से आए हुए थे वाया बलूचिस्तान, मतलब अफ्रीका से लैंड रूट के थ्रू बलूचिस्तान आए। बलूचिस्तान आज के पाकिस्तान में पड़ता है और उसके थ्रू हमारे इंडिया में आए। लेकिन आज से इंडिपेंडेंस से पहले की ये बात हो रही है, मतलब बलूचिस्तान अगेन इंडिया का ही पार्ट। अच्छा, अब इनकी जो एक स्पेशलिटी है वो क्या स्पेशलिटी है? इनकी स्पेशलिटी है कि ये लोग रंग से सांवले होते हैं, मतलब कि ब्लैक होते हैं और इनकी जो हाइट है वो क्वार्ट आपको 4 to 5 feet देखने को मिलेगी और उनके जो हेयर होते हैं वो क्वाइट क्वारली होते हैं। सो ये तीन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके हप्सी पीपल की या तो नेग्रेटॉइड की। नेक्स्ट आते हैं आपके एस्ट्रलोलॉइड पीपल यानी कि जिसे हम लोग निषाद कहते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो निषाद लोग हैं ये आपके साउथ ईस्ट एशिया से आए हुए थे। साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्री आती है? तो कि भाई थाईलैंड आते, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारी ऐसी कंट्रीज है जो आपके साउथ ईस्ट एशिया में आती है। अब निषाद पीपल एस्ट्रलॉइड ऐसा माना जाता है कि इंडिया में आपके साउथ ईस्ट एशिया से आई हुई थी। इनके कुछ अगर फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इनके फिजिकल फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो स्क्रीन होती है वो सांवले कलर की होती है, मतलब कि ब्लैकिश होती है। उनका जो हेड है मतलब उनकी जो सिर है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है। उनके जो नोज है उसका जो नोज क्वाइट फ्लैट होता है, थोड़े से चीनी टाइप पीपल आपको देखने को मिलेंगे। उनकी हाइट बहुत ही छोटी होती है कंपेरेटिव, जो आपको इससे पहले जो हम लोगों ने हप्सी देखा जिनकी हाइट 4 to 5 feet थी, एस्ट्रोलॉइड की हाइट अराउंड 4.2 हाइट जितनी रहती है, मतलब चाइनीज लोग जैसे दिखते हैं वैसे ही आपके निषाद पीपल दिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले इन्हें ऑस्ट्रेलॉइड ही कहा जाता था बट आर्यंस के आने के बाद आर्यंस ने इन्हें क्या नाम दिया? आर्यंस ने इन्हें नाम दिया निषाद का। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि निषाद पीपल को उनका नाम किसने दिया तो द आंसर इज योर आर्यंस। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो निषाद जाति है उसका ओरिजिन हमारे इंडिया के अंदर जो आसाम स्टेट है उस आसाम स्टेट के अंदर तीन ट्राइब्स रहती है। उसमें कौन सा नाम है? सबसे पहला है कोल, मुंडा एंड खासी ट्राइब्स। ये सारे के सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जिनके यू नो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है आपके निषाद पीपल के साथ। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है और जो म्यांमार के पास जो स्टेट रहते हैं सारे जो रीजन है वहाँ पे भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी सिमिलैरिटीज़ एस्ट्रोलॉइड से मैच करती हुई हो। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया के कल्चर में बहुत ही ज़्यादा रहा हुआ है। इन्होंने बहुत सारे
क्ले यूटेंसिल्स बनाए, मतलब कि मिट्टी के खिलौने बनाए। इसके अलावा आप देख सकते हो, आपको बताया गया लास्ट लाइन में कि कॉटन के क्लोथ जो आज हम लोग पहनते हैं, यूज करते हैं, वो कॉटन के क्लोथ ये लोग यूज करते थे। साथ ही माना जाता है कि वो लोग बहुत ही हाईली रिलीजियस बिलीफ में बिलीव करते थे, मतलब कि भगवान वगैरह में वो लोग ज़्यादा मानते थे। और ऐसा देखा गया है कि उनकी जो पूजा वगैरह रहती है उसमें भी आपको जो है एक रिच हेरिटेज एंड रिच कल्चर का साइन देखने को मिलती है। इसके बाद देयर इज अ थर्ड कम्युनिटी ट्राइब जो कि हमारे इंडिया में रहती थी, दैट इज द्रविडियंस। कौन सी है? द्रविडियंस। अब ये चीज़ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि द्रविडियंस हमारे इंडिया के सबसे फर्स्ट ऐसे लोग हैं जो माना जाता है कि इंडिया से ओरिजिन करते थे और इंडिया में बहुत साल पहले से रहते थे। अब जहाँ तक द्रविडियंस की बात है तो उनको जो है सिंधु वैली सभ्यता, यानी कि सिंधु खिंड की सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहनजोदारो सिटी जो था उसके साथ कनेक्शन में बताया गया। मतलब ऐसा माना जाता था कि मोहनजोदारो जो सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो सिटी आपके द्रविडियंस ने बनाया हुआ। अब ये जो द्रविडियन की ट्राइब है वो जनरली उसकी एक डेफिनेशन दी हुई है सेकंड लाइन में, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव्ड विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स, लेटर ऑन दे वेर ओनली कॉल्ड एज द्रविडियंस। मतलब द्रविडियंस यानी ऐसे लोग कि जो कि नॉर्थ के थ्रू आए हुए हैं, नॉर्थ से इंडिया में आए, इंडिया में आके उन्होंने अपने कल्चरल को सर्वाइव किया, अपने लैंग्वेजेस को सर्वाइव किया, अपने कल्चरल फीचर्स का यूज करके एक सोसाइटी बसाई, और लेटर ऑन यही लोग जो है आपके द्रविडियंस कहने को आए। अब जो द्रविडियंस है उसमें आपको एक अजीब सा कल्चर देखने को मिलेगा, अजीब सा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, और वही कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा कि हम लोग आज तक फॉलो करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट था? कि उसमें मदर को माता माना जाता था और फादर को भगवान माना जाता था। मतलब कि अगर शिव और पार्वती की बात करें तो शिव माता जो थे उसे हम लोग हमारी माता के तौर पे पूजते, मतलब द्रविडियंस अपनी माता के तौर पे पूजते थे, और जो शिव है वो शिव को द्रविडियंस अपने पिता के तुल्य मानते हुए उनकी पूजा अर्चना करते थे। इसके साथ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो द्रविडियंस है वो द्रविडियंस नेचर में भी ज़्यादा बिलीव करते थे। द्रविडियंस जो है आपके वो नेचर में भी ज़्यादा बिलीव करते थे, और उनको ऐसा लगता था कि नेचर जो है वो हमको गिफ्ट मिली हुई है हमारे फोर फादर्स की तरफ से, हमारे भगवान की तरफ से। आपको देखने को मिलेगा कि जो द्रविडियंस है वो द्रविडियंस की जो पूजा विधि थी, पूजा जो की जो स्टाइल थी, जैसे उसमें वो लोग वर्शिपिंग के लिए धूप का इस्तेमाल करते थे, दीप का इस्तेमाल करते थे, आरती का इस्तेमाल करते थे। आज भी आप देखिए कि जब भी कभी नवरात्रि होती है तो माता जी का हम लोग गरबा करते हैं, आरती करते हैं, दिया जलाते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं। तो ये सारे ट्रेडिशन जो हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं वो कहाँ से आए हुए हैं? द्रविडियंस के पास से आए हुए हैं। आपको देखने मिलेगा कि जो द्रविडियंस है, द्रविडियंस ओरिजिनली क्या करते थे, उनका जो ओरिजिनल कंसेप्ट था वो कंसेप्ट ऐसा था कि वो नेचर के एलिमेंट्स को और एनिमल्स को दोनों को साथ में वर्शिप करते थे। आप देखना कि जितने भी हमारे जो देवतागण हैं, अगर आप सबको पता होगा इंद्रदेव, तो इंद्रदेव को किसका देवता माना जाता है? बारिश और तूफान का देवता माना जाता है। इसी के साथ अगर आप लोग देखें तो कि सूर्यदेव, सूर्यदेव यानी जगत के परम पिता माना जाता है कि भाई जो वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ सूरज की वजह से ही है, अदर देन दैट ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सो ऐसे अग्निदेव है, सूर्यदेव है, पवन देव है, देन हमारे इंद्रदेव है। ये सारे के सारे देव हमें कैसे पता चले? क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे देवतीज थे जिनको द्रविडियंस पूजा करते थे कि भाई अगर आपको बारिश लानी है तो इंद्रदेव का यज्ञ करो, आपको सूर्यदेव को खुश करना है तो आप उनका यज्ञ करो, पवन का यज्ञ होता था, मतलब हर एक चीज़ का एक सेपरेट सेपरेट यज्ञ हुआ करता था। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि द्रविडियन की जो लाइफस्टाइल थी, उस लाइफस्टाइल में आपको देखने को मिलेगा कि इंटरकास्ट मैरिजेस को अलाउ किया जाता था। इंटरकास्ट मैरिज द्रविडियंस में अलाउड था, मतलब आपको देखने को मिलेगा कि जो इंटरकास्ट की जहाँ तक बात आती है तो हमारे भारत में एंशियंट सोसाइटी के हिसाब से चार वर्ण हुआ करते थे। चार वर्ण में क्या क्या आता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
चारों वर्ण को इंटरकास्ट माना जाता है, राइट। कि अगर ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिय लड़की से शादी करता है, या क्षत्रिय लड़का ब्राह्मण की लड़की से, या वैश्य की या शूद्र की लड़की से शादी करता है, तो इंटरकास्ट मैरिज तब के टाइम में भी अलाउड थे द्राविडियन कल्चर में। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि द्राविडियन की जो फैमिली सिस्टम थी, वो फैमिली सिस्टम में आपको मैट्रियार्कल सिस्टम देखने को मिलती थी। मैट्रियार्कल सिस्टम यानी कि एक ऐसी सिस्टम कि जहाँ पे माता का स्थान प्रमुख माना जाता है। आज हमारे घर में क्या होता है कि फादर को मेन इंसान माना जाता है, राइट। बट द्रविड़ियन फैमिली ऐसी हुआ करती थी कि जहाँ पे माता को, मतलब मदर को इम्पोर्टेंस दिया जाता था फादर से भी ज़्यादा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो द्राविडियन सोसाइटी थी, वो लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज थे। कैसी एक्टिविटीज़? तो क्या आप देख सकते हो कि डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स, बिल्डिंग बनाना, बोट बनाना, इसके अलावा रिवर राफ्टिंग्स के लिए बोट बनाना, इसके अलावा वीविंग यानी कि जो बनकर का काम है कपड़े के साथ, वो बनकर का काम करना, स्पिनिंग एंड डाइंग, ये सारी ऐसी चीज़ें थी। डाइंग यानी आपका ऐसी चीज़ आप कह सकते हो कि जिसमें आपने कभी घड़ी के बारे में सुना हो, राइट। तो जो घड़ी घड़ी जो आपका कपड़ा होता है, उसको आप अगर घड़ी के साथ मिक्सअप करते हो तो माना जाता है कि वो बहुत ही क्लियर बन जाता है। सो डाइंग का मीनिंग घड़ी के हिसाब से इंडिगो को प्लांटेशन और वगैरह वगैरह सब आता था। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे आर्यंस की बात आती है, जब द्रविडियंस इंडिया में रहा करते थे, तब एक और प्रजाति भारत में आई थी, एंड दे वेर आर्यंस। अब आर्यंस ने क्या किया था, नॉर्थर्न इंडिया में अपना पूरा साम्राज्य बसा दिया था, राइट। अगर आप भगवान श्री राम की बात करें, तो आप सबको पता है कि सीता माता भगवान श्री राम को एक नाम से बुलाती थी, वो नाम था आर्यपुत्र। आर्यपुत्र क्या क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो आर्यंस की प्रजाति से बिलोंग करते थे, और उनके फादर मतलब कि राजा दशरथ, वो एक आर्य थे। तो राम भगवान दशरथ के पुत्र होने के लिए वजह से सीता माता बहुत बारी उन्हें आर्यपुत्र कह के भी पुकारा करती थी। सो दिस इज द समथिंग द हिस्ट्री रिगार्डिंग आर्यंस। अब नॉर्थ में आपके आर्यंस का जो प्रभाव है वो बढ़ता गया, तो जिसकी वजह से आपके जो द्रविडियंस को साउथ इंडिया में जाना पड़ा, और साउथ इंडिया में आज के टाइम में आपके तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम, ये चार लैंग्वेज बोलने वाली फैमिली द्राविडियन फैमिली मानी जाती है, और ये चारों के चारों लैंग्वेज द्राविडियन फैमिली लैंग्वेज मानी जाती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द्राविडियंस। इसके अलावा बहुत सारी छोटी मोटी ट्राइब्स रहती थी इंडिया में, जैसे कि सबसे पहली है आपकी मंगोलॉयड। मंगोलॉयड आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ चाइना से तिब्बत के थ्रू इंडिया में आए थे, और इंडिया में भी वो आज के टाइम के अगर देखा जाए तो नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में आज के टाइम में रहते हैं। उनको देखने को मिलेगा कि मंगोलॉयड जो है वो धीरे धीरे क्या होते गए, इंडियनाइजेशन होता गया। इंडियनाइजेशन मतलब कि धीरे धीरे वो इंडिया की सोसाइटी में मर्ज होते गए। आपको देखने को मिलेगा कि उनके जो फिजिकल फीचर्स है वो कैसे हैं, तो मंगोलॉयड पीपल जो है वो, उनके जो कॉम्प्लेक्शन है वो क्वाइट येल्लोइश होते हैं, मतलब वो देखने में उनका जो चमड़ी होती है वो थोड़ी सी येल्लो कलर जैसी होती है। उनका फेस एकदम फ्लैट होता है, आप लोगों ने चाइनीज लोगों को देखा होगा, इनके फेसेस भी वैसे ही होते हैं। उनके जो चीक्स हैं वो थोड़े से चबी होते हैं, और आइज जो है वो आलमंड शेप होती है, मतलब कि बादाम की तरह की आपको शेप उनकी आइज आंखों का देखने को मिलेगा। एंड मंगोलॉयड को साथ ही साथ किरत भी कहा जाता है, उनके येलो कम्प्लेशन की वजह से उन्हें किरत भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किरत किसका दूसरा नाम है, तो आंसर आपको आना चाहिए कि मंगोलॉयड का। और अगर मंगोलॉयड के बारे में पूछा जाए, तो मंगोलॉयड का दूसरा नाम किरत है, जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आज के टाइम में रहते हैं। आए कहाँ से थे? नॉर्थ चाइना से आए थे। इसके अलावा सेकेंड इज हमारी अल्पाइन डिनारिक एंड आर्मनॉइड। अब ये जो सारी की सारी कम्युनिटी है, ट्राइब है, ये आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आए हुए हैं। सेंट्रल एशिया यानी क्या कि ये आज के टाइम का ये जो दुबई वगैरह है, मिड आपका जो ईरान है, इराक है, वहाँ से धीरे धीरे करते करते वो लोग इंडिया में आए थे। और इंडिया में वो लोग कहाँ सेटल हुए? तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि गुजरात में उनकी सबसे ज़्यादा तादाद दिखते मिलती है, गुजरात के अंदर सौराष्ट्र में, उसके बाद महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, ये सारे के सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे अल्पाइन डिनारिक एंड आर्मेनॉइड आपको प्रजाति देखने को मिलेगी। सो अगर हमारी बात करें, हम गुजरात में रहते हैं, तो हम लोग अल्पाइन, हम लोग कौन से होंगे? हम लोग आर्मेनॉइड होंगे, ठीक है।
हम लोग आर्मोनॉइड कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा डिनारिक एंड अल्पाइन भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रजाति इंडिया के लिए, एंड दैट इज योर एंशियंट, सॉरी दैट इज योर आर्यंस। अब आर्यंस की जहाँ तक बात आती है तो आर्यंस वेयर नोन एज द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन। उनको ऐसा माना जाता था कि जब भी कभी आर्यंस ने इंडिया पे राज किया तो जितने भी रीजन में उन्होंने राज किया उस रीजन को आर्यवर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्यवर्त। आप सेकंड लाइन में देख सकते हो देयर इज अ वर्ड जिसका नाम है आर्यवर्त, मतलब कि ऐसा रीजन जिसको आर्यों के द्वारा रूल किया जाता है। इसके अलावा देयर वॉज वन मोर रीजन जिसका नाम है सप्त सिंधु प्रदेश। ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या था? ये सप्त सिंधु यानी कि सिंधु और उसकी सात सहायक नदियाँ, सिंधु और उसकी सॉरी छः सहायक नदियाँ। छः कौन सी नदियाँ आती है? सबसे पहले तो सिंधु नदी अपने आप में, उसकी ट्रिब्यूटरीज में आपको देखने को मिलेगा कि झेलम, चिनाब, रावीस, ब्यास, सतलज एंड सरस्वती। ठीक है, सरस्वती आज के टाइम में आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसके अलावा की जो बाकी की छः नदी है वो आपको आज के टाइम में भी देखने को मिलती है। भारत के पंजाब में से ये आपको सातों पाँचों के पाँचों नदियाँ देखने को मिलेगी। सिंधु नदी चाइना से ओरिजिन करते हुए भारत के जम्मू कश्मीर के थ्रू पाकिस्तान में जाते हैं, अरब सागर से मिलती है। तो ये जो इतने रिवर्स के बीच का जो आपका रीजन है उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। अब ये जो आर्यावर्त है वो आर्यावर्त की अगर बात करें तो ईस्टर्न साइड में बिहार के मिथिला से लेके साउदर्न पोर्शन में विंध्याचल तक आपका जो आर्यवर्त है वो यहाँ पे फैला हुआ था। ईस्टर्न साइड में बिहार से लेके दक्षिण में आपके विंध्याचल तक और उत्तर में आपके कश्मीर वगैरह के क्षेत्र से लेके वेस्ट में आपके सप्त सिंधु प्रदेश तक पूरा जो रीजन था वो आपका आर्यवर्त था। मतलब आज की अगर बात करें तो आज के टाइम का पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड, आपके हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आपका देन ये जो इस साइड ओडिशा आ गया, बिहार आ गया, यूपी आ गया, ये सारे का सारा रीजन उस दौरान आर्यावर्त के नाम से फेमस था। आपको देखने को मिलेगा कि देर आर सेवरल यू नो अदर ट्राइब्स विच वेयर इन देर इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स विद दिस आर्यंस। एंड आपको देखने को मिलता है कि आर्यंस के दौरान ही भारत के बहुत सारे नाम पड़े, जैसे कि भारत भूमि, भरतखंड, भारतवर्ष। ये सारे के सारे जो नाम है वो एक महान भारतीय आर्य राजा के नाम से पड़े, और उस राजा का नाम क्या था? किंग आर्य भरत। ऐसा माना जाता है कि भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत रखा गया है, और वो इतना शक्तिशाली था, इतना महान था कि उसने अपने हाथों से शेर के मुंह को चीर डाला। ऐसी पूरी कथाएं हैं हमारे कल्चर में जिसके बेसिस पे, इतने महान राजा के बेसिस पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आर्यंस की जहां तक बात आती है तो आर्यंस वेयर नेचर लव, उनको नेचर से करीब बहुत ही ज्यादा प्यार था। देखने को मिलता है कि बहुत सारे ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन, सन, विंड, रेन, ये सारे के सारे उनके लिए बहुत ही पूजनीय थे। अगर हमारी बात करें तो हमारी भारतीय संस्कृति में भी सूर्य देव है, आपके पवन देव है, आपके वरुण देव है, इसके अलावा आपको नदियाँ को हम लोग माता कहते हैं। आप देखना भारत के अंदर जितनी भी नदियाँ आई है हर एक का नाम कोई लेडी नाम आपको देखने को मिलेगा, फीमेल नेम देखने को मिलेगा। जैसे कि साबरमती ले लो, गंगा ले लो, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सारे के सारे ऐसे नाम हैं जो फीमेल बेस्ड नेम है। मतलब कि भारत के अंदर जितनी भी नदियां हैं सारी की सारी नदियां जो है आपको देखने को मिलेगा कि माता के तुल्य मानी जाती है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे रिचाएं, बहुत सारे श्लोक्स को निर्माण किया जिसके थ्रू वो नेचर के एलिमेंट को प्रेज करते थे। क्या क्या करते थे? प्रेज करते थे। मतलब कि अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर कोई वृक्ष के पास जाते हैं तो हमारे संस्कृति में पीपल का पेड़, हमारी संस्कृति में तुलसी का पौधा हमारा बहुत ही फेमस माना जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड आप कह सकते हो कि प्रेस्टिजियस माना जाता है। तो ये सारे की सारी चीज़ें कहाँ से आई थी? हमें आर्यंस के पास से मिली थी।
इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि आर्यंस ने टाइम टू टाइम आते हुए वेदास का निर्माण किया। भारत के अंदर चार वेदा आपको देखने को मिलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों चार वेद जो है आपके आर्यंस ने बनाए थे। इसके अलावा देखने को मिलता है कि वो लोग टाइम टू टाइम यज्ञ भी क्या करते थे, यज्ञ एक्टिविटीज भी यहाँ पे कंडक्ट करवाते थे। एंड इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि देर वेयर सेवरल अदर अमालगमेशन ऑफ अदर ट्राइब्स इन टू द हारमोनियस वे इन दिस हारमोनियस कल्चर ऑफ दिस आर्यंस। एंड उसी में आपके इंडियन ट्राइब्स एंड फॉरेन ट्राइब्स मिल के एक पूरे से पूरे कल्चरल का निर्माण होता है। इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, मतलब दो परिवार आते हैं, दो पीढ़ियाँ साथ में आती हैं, जिससे एक नया पीढ़ी बनती है, एक नया कल्चर फॉर्म होता है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि लोकल पीपल और आउटसाइडर्स में हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, हमारी जो स्क्रिप्ट्स हैं, हमारी जो बिलीव्स हैं, हमारे जो रिलीजन्स हैं, तो सारे के सारे चीज़ों ने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द यू नो आपके विविध ट्राइब्स एंड इंडिया एंड द लैंड एंड इट्स पीपल। ठीक है, सो ये चीज़ आपको आज के हमारे पूरे सेशन में देखने को मिलेगी।